नवीन अनुपूरक पुष्टाहार योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण सत्र का आयोजन मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में अनेक्सी सभागार में किया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि योजना के तहत बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों पर अनुपूरक पुष्टाहार की आपूर्ति में सूखे राशन को राज्य आजीविका मिशन के माध्यम से संचालित स्वयं सहायता समूहों से वितरण किया जाएगा। सीडीओ ने कहा कि शासन द्वारा यह एक नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य कुपोषित बच्चों को बेहतर पोषण देकर उन्हें सुपोषित करना है, क्योंकि स्वस्थ बच्चों से ही स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। उन्होंने इस योजना की 100% सफलता सुनिश्चित करने हेतु सभी संबंधित विभागों का आपसी समन्वय बनाए रखने के निर्देश देते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी गढ़ टीम भावना के साथ कार्य करें। इस मौके पर जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमंत सिंह, एसडीएम चौरी चौरा पवन कुमार, कैंपियरगंज अरुण सिंह, तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित सहित अपर जिला सूचना अधिकारी अंजनी मिश्रा सहित एवं विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमंत सिंह और मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, और शासन ने जो तय किया था कि आज 25 प्रशिक्षण है और उसके उपाध्यक्ष हैं, इसी तरह से जो ब्लैक में प्रशिक्षण होना है, तो ये मिला करके जो तीनों चारों डिपार्टमेंट हमारे साथ करना है कई सीट में, ये एसडीएम साहब के ऊपर है, आप लोग तय कर लेंगे सर कि कैसे करना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। लोगों को सम्मान दिया गया है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सभी 75 को कैसे अपने कहाँ कहाँ पर क्या गैस है, ठीक है, हम लोगों को कर लेंगे। प्रदेश के समस्त जनपदों में अनुपूरक पोषाहार का नवीन विकेंद्रीकरण व्यवस्था ये डिसेंट्रलाइजेशन किया जाना है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न आदेश, चाहे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 हो या भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य द्वारा एक मोट राशन का विकेंद्रीकरण किया जाना है। इसको करने के पीछे मुख्य मंत्रा है कि कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बढ़ाया जाए, और इसी को देखते हुए पूरे प्रदेश में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से नवीन विकेंद्रीकरण की व्यवस्था लागू की गई है, जिसे आप सभी को पता है कि स्वयं सहायता समूह इसमें जुड़े हुए हैं। ड्राइव एक होम राशन स्कीम के अंतर्गत ICDS विभाग द्वारा जो पूर्व में 45 अनुपूरक पोषाहार दिया जाता था, पहले से जो सप्लाई आता था उसकी जगह पर सूखा राशन, दाल चावल गेहूं तथा दुग्ध पदार्थ, देसी घी और स्किम्ड मिल्क पाउडर आंगनबाड़ी केंद्र से वितरित किया जाता था। अभी तक जो हम लोगों को पहले CDPO ऑफिस में आता था, अब वो चीजें गांव लेवल पर, विलेज लेवल पर कैसे उपलब्ध होगी, उसके लिए सूखा राशन की व्यवस्था की गई है। 45 अनुपूरक पोषाहार को प्री मिक्स रेसिपी के रूप में उत्पाद करने की प्रक्रिया पर भी कार्य आरम्भ किया जा चुका है। इसका मतलब है अभी हम लोग जो ड्राई राशन वितरित कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आगे वाले समय में यही ड्राई राशन ही दिया जाएगा, इसको भी मॉडिफाई करने की बात चल रही है। अगले 2 वर्षों में स्वयं सहायता समूहों का क्षमता वर्धन इस कार्य से किया जाएगा। ये आप देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, SHG का रोल यहाँ पर बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लोगों को प्रयास करना है कि SHG में जिनको ही बात कर रहे हैं, जितने भी SHG है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी लाइव मीटिंग हम लोगों को करनी है। बीच की इस अवधि में चरणबद्ध रणनीति अपनाते हुए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सूखा राशन, जैसा कि अभी हम लोगों ने ड्राई जो राशन है देने की व्यवस्था की गई है, लेकिन आने वाले समय में भी 45 को किया जाएगा। 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे हैं, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, अति कुपोषित बच्चे हैं, गर्भवती और धात्री महिला है, यह हमारे सेंटर पर रजिस्टर्ड होती है, उसको दिया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इस चीज को समझ सकते हो, महसूस कर सकते हो, और अगर आप इस चीज को महसूस करते हो तो आप इस चीज को दिल से करते हो। अब इस व्यवस्था में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है जो बदलाव किए गए, इसमें स्वयं सहायता समूहों को लाया गया है। ऐसे स्वयं सहायता समूहों को हर ब्लॉक में ट्रेनिंग दी गई है कि जो उसका आभार पहले एक सेंट्रलाइज व्यवस्था में बन के आता था तो वितरित होता था, अब वो डिसेंट्रलाइज व्यवस्था में ब्लॉक लेवल पे एक इंडस्ट्री लगा के उसको बनाया जाएगा और वितरण किया जाएगा। उसके साथ एक ड्राई राशन की व्यवस्था भी है। इस व्यवस्था को कैसे लागू करना है, इसकी ट्रेनिंग तो आज आपको अभी दी जा रही है, हमारे हेमंत जी दे रहे हैं, इन्हीं का विभाग बहुत अच्छे से इसमें कार्य अभी तक किया है, जो 2-3 पीछे निर्देश इनको दिए गए थे
दीपावली से पहले उन सारी बीसीज में मैं भी प्रेजेंट था, वो इन्होंने बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करा है। इसमें डी सी एल एल जो हमारे हैं वो भी इनके साथ कॉर्डिनेट करते हैं, पूर्ति विभाग है वो भी कॉर्डिनेट करता है, और ये टीम वर्क है, इसीलिए आप सबको इसमें बुलाया। तो कंक्लूड मैं आप दो तीन बिंदु रखना चाहूँगा। एक तो ये प्रेजेंटेशन सबके साथ शेयर हो गया, सबका व्हाट्सएप ग्रुप बन रहा है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सब लोग जितने प्रेजेंट है सब अपना व्हाट्सएप वाला नंबर दीजिएगा, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ देंगे। आपकी इससे रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं सब उस ग्रुप पर रहें, फिर आप लोगों को जाके ब्लॉक लेवल पे भी ट्रेनिंग देंगे। वो ट्रेनिंग तभी दे पाओगे जब उसको समझ। और गोरखपुर में इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी कुपोषण के जो बच्चे हैं उनकी संख्या अच्छे अमाउंट में है, जो हमें कम करना है। 1622 समूह जो हैं वो चिन्हित हैं, और जितने कोटे हैं उस कोटों से उन समूह वाले को राशन उठाना है। वो लोग पैकेट बनाएंगे, जो मानक हम लोगों ने तय किया है 1.5 किलो गेहूं, 1 किलो चावल और 750 ग्राम दाल का, वो पैकेट बना करके और अपनी आंगनबाड़ी को दे देंगे, जो उनके क्षेत्र की आंगनबाड़ी हैं वो अपने लाभार्थियों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इससे कितना लाभ मिलेगा, पहले जो वितरण होता था और वितरण में क्या अंतर आएगा? देखिए, एक ये इंटरमीडिएट व्यवस्था है, बीज का एक बीज की एक व्यवस्था है। अभी हम लोग ये दे करके जिससे दाल जो जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है आप समझ रहे हैं, दूध और घी भी बटना है इसमें, तो वो लाभार्थी जब अपने यूज करेगा तो वो व्यवस्था जो है अच्छी होगी। और चूंकि स्वयं सहायता समूह भी इसमें लगे हैं तो इसकी मॉनिटरिंग भी एक नीचे लेवल पर होगी कि हम सही जगह पर सही चीज़ पहुँचा पा रहे हैं, तो इससे काफ़ी मदद मिलेगी। दो डिपार्टमेंट जुड़ रहे हैं, तो स्वयं सहायता समूह और आंगनबाड़ी मिल करके अब देख रेख कर रही हैं, तो इससे निश्चित रूप से लाभ होगा हम लोग को, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। और देखिए, स्वयं सहायता समूह जो हैं इसमें उनको रोजगार का अवसर मिलेगा, उनको कुछ सपोर्ट मिलेगा विभाग की तरफ से कि जो वो अपना काम कर रही हैं उसमें उनको कुछ एक मानदेय तो नहीं तय है या इस तरह की कोई बात तय नहीं है, लेकिन कुछ लाभ मिलेगा जिससे वो अपने आप को पुनर्जीवित कर सकती हैं। ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये जो पहले पुष्टाहार बंटता था उसकी व्यवस्था में थोड़ा बदलाव किया गया है। अब ड्राई राशन जो है हमारे स्वयं सहायता समूह देंगे, और पुष्टाहार भी जो है वो स्वयं सहायता समूह जिनकी ट्रेनिंग भी हो चुकी है वो अपना बनाएंगे और डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इसमें हमारे जो ये ICDS का डिपार्टमेंट है और जो हमारा पूर्ति विभाग है और हमारा जो ये स्वयं सहायता समूह के लिए DC NRLM है, 3-4 विभागों का कोऑर्डिनेशन से ये पूरा एग्जीक्यूट किया जाएगा, जिसमें हमें तहसील और ब्लॉक भी हेल्प करेंगे, और उसके लिए आज हम लोग सबको ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये ट्रेनिंग फिर ब्लॉक पे जाके ब्लॉक लेवल पे भी दी जाएगी।